अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा सुहेल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो के अंदर हम अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में देखेंगे कि इस सेंसर का क्या फंक्शन है और इसको आर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे। एम ब्लॉक के ऊपर जो है हम अपना जो एल्गोरिदम या लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद जो है हम अपना एल्गोरिदम लॉजिक जो है आर्डिनो के ऊपर अपलोड करेंगे और हम देखेंगे कि हमने जो एल्गोरिदम बनाया है क्या वो सही वर्क कर रहा है क्या नहीं। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या है? अल्ट्रासोनिक सेंसर ये एक ऐसा सेंसर है कि जब भी इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देता है कि कितने फासले पर ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये भेजता है, ये इमिट करता है और ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद ये वेव्स जो है रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और ये जो है फिर डिस्टेंस मेजर करके बताता है किस तरह। ये बेसिकली टाइम मेजर करता है बिटवीन एमिशन एंड रिसेप्शन। तो सबसे पहले तो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है। जिस तरह ये कनेक्ट करना है इसकी डायग्राम शो की गई है, इसी तरीके से आपने जो है कनेक्शंस कर लेने हैं। जिस तरह से पिक्चर के अंदर अल्ट्रासोनिक और आर्डिनो के दरमियान कनेक्शन शो किए गए थे वैसे ही मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। तो कनेक्शन करने के बाद मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। सॉफ्टवेयर में आने के बाद आप लोगों ने इवेंट्स में जाना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट ब्लॉक सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने डेटा एंड ब्लॉक्स में आना है। मेक अ वेरिएबल, आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कराएंगे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर रीड करेगा। तो वेरिएबल का नेम है डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म DIST रख लेता हूँ एंड ओके। तो ये मेरे पास वेरिएबल आ गया और उसके साथ कुछ ब्लॉक्स आ गए उसके। तो कंट्रोल में जाएंगे, सबसे पहले तो फॉरएवर लूप लगाएंगे। ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है पिछली वीडियो के मुकाबले, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने आर्डिनो प्रोग्राम फर्स्ट ब्लॉक यूज़ किया था, मगर इसके अंदर हम ये वैन फ्लैग क्लिक्ड है तो ये वाला ब्लॉक हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फॉरएवर लूप लगाने के बाद आप लोगों ने जो है डिस्टेंस के वैल्यू, जो डिस्टेंस वेरिएबल है, इसको सेट करना है। यानी कि आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू जिसमें स्टोर करानी है, तो अल्ट्रासोनिक सेंसर की वैल्यू रीड करने के लिए ये वाला ब्लॉक आप यूज़ करेंगे। आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। अब आपने जिस पिन के ऊपर ट्रिगर पिन और एको पिन लगाई है वो पिन नंबर आपने यहाँ पे बता देने। तो ट्रिगर पिन मैंने पिन 11 पे लगाई है और एको पिन जो है पिन 12 पे लगाई है। तो अब जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वैल्यू रीड करके उसको डिस्टेंस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं। डिस्टेंस वेरिएबल शो कराना है, हमने इसके अंदर जो वैल्यू पढ़ी है हमने वो शो करानी है कि कितना डिस्टेंस इसने मेजर किया है। तो उसके लिए आप ये लुक्स के ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ पे आपने ये सेकंड ब्लॉक से हेलो ये यहाँ पे प्लेस कर देने। ये दोबारा डेटाबेस, अब जो सी वैल्यू आपने शो करानी है आप वो वाली यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो आपका ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब आपने कनेक्ट में जाना है, सीरियल पोर्ट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अपग्रेड फर्मवेयर। जब आपका अपलोड फिनिश हो जाए तो आप इसको क्लोज कर दें और इस फ्लैग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे आप दूसरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है सेटअप हुआ हुआ है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर सामने है और अगर आप वैल्यू देखें तो अभी ज़ीरो वैल्यू हमें शो करा रहा है, मगर जैसे ही मैं इसके सामने कोई चीज़ ला के रखता हूँ तो अब आप देखें तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है। यहाँ पे जो पॉइंट्स के बाद काफ़ी वेरिएशन हो रही है, तो फ़र्ज़ करें कि हमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू हमने देखनी है, हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले प्रोग्राम स्टॉप कर देते हैं। तो हम वैल्यू राउंड करेंगे, उसके लिए मैं ऑपरेटर्स में जाऊँगा, ये राउंड का ब्लॉक उठाऊँगा और ये यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगा। डिस्टेंस को मैं इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ, राउंड को यहाँ पे। तो अब जो भी वैल्यू होगी पॉइंट्स में तो वो उसको राउंड कर देगा और हमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट डिजिट है, वो हमें शो कराएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं फ्लैग पे क्लिक करता हूँ, हमारा जो है प्रोग्राम चलने लग गया है। तो अब मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई भी चीज़ प्लेस करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू मुझे नहीं शो हो रही, सिर्फ जो है फर्स्ट डिजिट मुझे शो हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ तो आप देखें मेरे पास वैल्यू चेंज हो गई, 4 से 5 हो गई 6, और यह सेंटीमीटर में वैल्यू है, यानी 7 सेंटीमीटर के फासले पे ऑब्जेक्ट मौजूद है।
इसी तरह अगर मैं इसको करीब लेके आता हूँ तब आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, कि 3 सेंटीमीटर के फासले पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ गई होगी। तो आप इसी वीडियो को देखते हुए अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो आर्डिनो के साथ कनेक्ट करें और ये जो ब्लॉक है, ये जो कोड है, उसके ऊपर अपलोड करें।